10 नंबर बस हर रोज ताजगंज स्टॉप पर सुबह ठीक 7 बजे आ जाती है। युग समय से पहले ही तैयार होकर स्टॉप पहुंचकर बस का इंतजार कर रहा है। युग के दिमाग में उसका रिवेंज प्लान लूप में चल रहा होता है। वो जल्द से जल्द अंगूरी बाग फॉर्च्यून ग्रुप के मालिक ब्रिजलाल कनोडिया के घर पहुंचना चाहता है। युग बैठा बैठा मन ही मन सोचता है, इस मुसीबत से निकलने में क्या कनोडिया जी मेरी मदद करेंगे? नहीं नहीं, मुझे निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मैंने एक बार आखिर उनकी पोती खुशी को उन बदमाश किडनैपर से बचाया था, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। युग के मन में अभी कई सारे सवाल थे और जवाब बस एक, फॉर्च्यून ग्रुप यानी ब्रिजलाल कनोडिया, आगरा की एक ऐसी हस्ती जिसका यहाँ के लोगों पर दबदबा बना रहता है। 7:20 हो गए और बस अभी तक नहीं आई। मैं आज बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहता। फॉर्च्यून ग्रुप के मालिक वैसे भी बहुत बिजी आदमी है। युग को बस स्टॉप पर 10 मिनट और इंतजार करना पड़ता है, फिर उसे 10 नंबर की बस आते हुए दिखती है। आखिर बस आ ही गई। युग जल्दी से बस में चढ़ जाता है और ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। वैसे तो युग का ढाबा ताजगंज में बहुत फेमस था, पर पिछले कुछ दिनों में अफीम की मिलावट वाली अफवाह पूरे आगरा में फैल चुकी थी। बस में बैठे बाकी पैसेंजर जैसे ही युग को देखते हैं, वो आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। अरे देखो, ये तो वही लड़का है ना जिसके बारे में हमने कल सोशल मीडिया में पढ़ा था। हाँ, ये तो वही युग यादव है जिसका रामदेव ढाबा है। इसकी तो उम्र बहुत कम है, भला ये कैसे इतने बड़े घोटाले में फंस गया? युग को आसपास के लोगों की बातें साफ सुनाई दे रही थी। वो अपनी सीट से उठकर सबसे आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अंगूरी बाग वाली सवारी, गेट पर आइए, बस कंडक्टर चिल्लाकर अगले स्टॉप की सवारियों को तैयार रहने को कहता है। चलो मेरी मंजिल आ गई। युग एक गहरी सांस लेता है और अंगूरी बाग बस स्टॉप पर उतर जाता है। युग के पास अभी 5 मिनट बाकी थे। वो बस स्टॉप के पास ही एक चाय की दुकान पर चला जाता है। भैया एक कटिंग चाय और एक बिस्किट का पैकेट देना। युग बेंच पर बैठकर चाय में बिस्किट डुबाकर खाने लगता है। उसे वहाँ भी कुछ लोग पहचान लेते हैं और उसके बारे में आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं। युग चाय और बिस्किट के पैसे देता है और चाय वाले से ब्रिजलाल कनोडिया के घर का रास्ता पूछता है। भैया यहाँ से अगर मुझे ब्रिजलाल कनोडिया सर के घर जाना है तो मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए? अरे बेटा, तुम्हें ब्रिजलाल कनोडिया साहब से क्या काम है? चाय वाला युग की उम्र देखकर उसे जज करता है। भैया वो मैं ना फॉर्च्यून ग्रुप के एक निबंध लेखन प्रतियोगिता में फर्स्ट आया था, मगर मुझे अब तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। उसी के बारे में ब्रिजलाल कनोडिया सर से बात करनी है। युग बड़ी ही सफाई से झूठ बोलकर चाय वाले को गुमराह कर देता है। ओह, तो तुम्हें ब्रिजलाल कनोडिया साहब से ये काम है। अच्छा एक काम करो बेटा, वो सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, ठीक उसके सामने एक पक्की सड़क गई है ब्रिजलाल कनोडिया साहब के बंगले के लिए। चाय वाला युग को ब्रिजलाल कनोडिया के घर का रास्ता बता देता है। थैंक यू भैया। युग चाय वाले का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से निकल जाता है। युग जब चाय वाले के बताए अनुसार पीपल के पेड़ के पास पहुँचता है तो उसे सामने एक पक्की सड़क दिखाई देती है और सड़क पर थोड़ी ही दूर एक सुंदर और आलीशान बंगला। वो बंगले की ओर चल देता है। बंगले के गेट पर 5 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे और सभी ने काले कलर का सूट और काले सनग्लासेस पहने हुए थे। ए रुको, आगे प्राइवेट एरिया है, वहाँ जाना मना है। युग अपनी धुन में सीधा गेट के अंदर जाने लगता है तो गार्ड्स उसे पकड़कर बाहर ही रोक लेते हैं। सर मेरा नाम युग यादव है, मैं ताजगंज से आया हूँ, मेरी ब्रिजलाल कनोडिया सर के साथ अपॉइंटमेंट है। युग यादव, ये नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना। सिक्योरिटी गार्ड्स युग को दुबला पतला सा बच्चा समझकर पहचानने से मना कर देते हैं। प्लीज मेरी बात पर भरोसा कीजिए, सचमुच मेरी चेयरमैन सर के साथ अपॉइंटमेंट है, आप चाहें तो उन्हें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। युग गार्ड्स के बिहेवियर को देखकर गुस्से में आ जाता है, पर फिर भी वो उन्हें आराम से समझाने की कोशिश करता है। ओए लड़के, शक्ल देखी है अपनी, मुझे बेवकूफ बना रहा है? मैं दिन में तेरे जैसे 50 लोगों को डील करता हूँ, तेरी औकात ही क्या है कि फॉर्च्यून ग्रुप के चेयरमैन तुझे सामने से मिलने बुलाए? अरे मैं कह रहा हूँ ना, युग अपनी बात को दोहराता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे बीच में ही टोक देता है। अब अगर तू यहाँ से नहीं गया तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ, इतना मारूंगा ना कि तुझे माँ भी नहीं पहचान पाएगी। सिक्योरिटी गार्ड बहुत गुस्से में आ जाता है, युग की कॉलर पकड़कर उसे ढकेल देता है। युग गेट से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है, यार मैं तो यहाँ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया था और यहाँ तो नई मुसीबत खड़ी हो गई। युग अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है कि तभी वहाँ एक लाल कलर की ऑडी आती है और गेट के सामने रुक जाती है। उसमें से 20-25 साल की एक सुंदर सी लड़की उतरती है जिसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड का बर्ताव एकदम से नरम हो जाता है। अरे ये तो प्रिया जी हैं, चेयरमैन सर की सेक्रेटरी, इनसे तो मैं एक बार अपने ढाबे पर मिला था, युग मन में सोचता है। तभी प्रिया की नजर युग पर पड़ती है और वो सिक्योरिटी गार्ड को इग्नोर करके युग की तरफ बढ़ती है। अरे युग तुम आ गए, और ये क्या तुम अभी तक यहीं खड़े हो? चेयरमैन सर तुम्हारा कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। प्रिया युग को गेट के बाहर खड़ा देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग प्रिया जी, दरअसल मैं यहाँ बहुत देर से खड़ा हुआ हूँ मगर ये गार्ड्स मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। मैं तो कब से इन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चेयरमैन सर मुझे जानते हैं और मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट है। युग उस काले कपड़े वाले सिक्योरिटी गार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये काले कपड़े वाले गार्ड मुझसे कहते हैं कि ओए लड़के, तेरी औकात नहीं है फॉर्च्यून ग्रुप के चेयरमैन से मिलने की,
यहाँ से चुपचाप निकल जा, वरना इतना मारूंगा कि तेरी माँ भी तुझे नहीं पहचान पाएगी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। प्रिया को युग से बात करते देख सिक्योरिटी गार्ड्स के तो होश ही उड़ जाते हैं। युग की बात सुनकर प्रिया गुस्से से लाल हो जाती है और सिक्योरिटी गार्ड्स के पास जाकर कहती है, ये युग हैं चेयरमैन सर के खास मेहमान, तुम्हें लगता है कि इनकी चेयरमैन सर से मिलने की औकात नहीं है, और तुम्हारी तो जैसे बड़ी औकात है ना। सिक्योरिटी गार्ड एकदम से सहम जाता है और भीगी बिल्ली की तरह प्रिया और युग से माफी मांगता है। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर है, समझे। तुम इस महीने की अपनी सैलरी लो और अपना पुरिया बिस्तर बांध कर निकल जाओ यहाँ से। प्रिया गार्ड को नौकरी से निकाल देती है। गार्ड ये समझ चुका था कि आज उसकी किस्मत का सबसे बुरा दिन है। वो प्रिया के पैरों पर गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है, मैडम आगे से मैं ध्यान रखूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगर ये नौकरी चली गई तो मैं अपना घर कैसे पालूंगा। लेकिन प्रिया उसकी एक नहीं सुनती। प्रिया ब्रिजलाल कनोडिया की सबसे करीबी असिस्टेंट थी, उसने एक बार जो कह दिया फिर बस, अब उसके आगे कोई दलीलें नहीं चलती। सिक्योरिटी गार्ड को ये बात अब ठीक तरह से समझ आ चुकी थी कि आज उसका खेल खत्म हो चुका है, और ऐसा होने के पीछे कारण बस इतना है कि उसने एक पिद्दी से लड़के से बदतमीजी से बात की, और वो लड़का कोई मामूली स्कूली बच्चा नहीं था बल्कि आगरा के सबसे बड़े बिजनेसमैन और फॉर्च्यून ग्रुप के मालिक ब्रिजलाल कनोडिया का खास आदमी था। मैं कितना पनौती इंसान हूँ। युग और प्रिया के चले जाने के बाद गार्ड अपने आप को चांटे मारता है, पर अब उसके पास पछताने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। आज ठंड बहुत है, नहीं तो यहाँ इस समय बहुत सुहाना मौसम रहता है। प्रिया रास्ते में युग से कहती है। युग मन ही मन कुछ तो बड़बड़ाता है और अपने आसपास के वातावरण को देखने लगता है। युग चलते चलते मन में सोचता है कि ये तो मेन गेट जाने का रास्ता नहीं है, प्रिया जी मुझे ये किस गेट से अंदर ले जा रही है। लगभग 400 मीटर चलने के बाद युग की आंखों के सामने एक बड़ा सा स्टील का दरवाजा आता है, जिस पर साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ अजीबोगरीब आकार बंधे हुए होते हैं। उस गेट के बाहर भी दो हट्टे कट्टे गार्ड्स खड़े हुए थे। प्रिया युग को उस स्टील गेट के अंदर ले जाती है और फिर एक कांच का दरवाजा आता है जो बायोमेट्रिक से खुलता है। प्रिया अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उस दरवाजे के पार एक अलग ही दुनिया थी। अरे बाप रे, ये तो कितना बड़ा और सुंदर सा गार्डन है। इतनी आलिशान जगह देखकर युग की आंखें फटी रह जाती हैं और वो बस देखता ही रह जाता है। दरवाजे के दूसरी तरफ गार्डन के पास बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां खड़ी होती हैं। गाड़ी में बैठ जाओ युग, यहां से आगे हमें पैदल नहीं चलना पड़ेगा। प्रिया युग को डीसी अवंती में बैठाती है और वो लोग आगे का रास्ता उसी से तय करते हैं। प्रिया युग की तरफ देखती है और उसके चेहरे पर कंफ्यूजन दिखाई देने पर उससे पूछती है, क्या हुआ युग, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। वो मुझे ये समझ नहीं आया कि हम मेन गेट से अंदर क्यों नहीं गए। युग सिर खुजलाते हुए कहता है, अच्छा वो समझ गई मैं। अरे क्या है ना कि ब्रिजलाल कनोडिया सर से मिलने के लिए रोज 100 से भी ज्यादा लोग आते हैं, तो मेन गेट पर बहुत भीड़ लग जाती है, वहां से अंदर जाना एक ट्रैफिक जाम में फंसने जैसा ही है। प्रिया युग की बात का जवाब देते हुए हंसने लगती है। प्रिया की बात सुनकर युग के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, मेरी गरीब लाइफ स्टाइल ही मेरी इमेजिनेशन को बांध देती है। डीसी अवंती दिखने में और चलने में एकदम किसी स्पोर्ट्स कार जैसी ही थी। युग अपनी लाइफ में पहली बार इतनी महंगी गाड़ी में बैठा था। उसने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो उसे लगा कि कार हवा से बातें कर रही है। प्रिया जी ये बंगला कितना बड़ा और सुंदर है ना, इतने बड़े बड़े फाउंटेन्स और भी न जाने क्या क्या है इसके अंदर। युग को अभी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि वो इतने आलिशान बंगले में मौजूद है और इतनी गजब की कार में सफर कर रहा है। हाँ युग, ये बंगला सचमुच बहुत बड़ा है, अभी तो तुमने सिर्फ बाहर से ही इसे देखा है, अंदर तो और भी रोमांचक चीजें हैं, प्रिया युग से कहती है। युग वापस खिड़की के बाहर देखता है और अपनी सोच के सागर में एक गहरी डुबकी लगाता है। काश मैं भी इतना अमीर हो जाऊं कि लोगों को मुझसे मिलने के लिए इतने सारे गार्ड्स का सामना करना पड़े, लाइन में लगना पड़े, और मैं अपने परिवार के साथ एकदम ठाट से रहूं। युग को इस तरह देखकर उसको अपने बॉस ब्रिजलाल कनोडिया की याद आ गई और वो सोचने लगी, सर भी जब कार से कहीं जाते हैं तो अपने आसपास की दुनिया को देखकर सपने बुनते हैं और उन्हें पूरा करके रहते हैं। क्या युग ब्रिजलाल कनोडिया साहब से मिल पाएगा या अभी कुछ उलझने उसका इंतजार कर रही हैं? जानने के लिए सुनते रहिए मैं बनूंगा सुपर हीरो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युग और प्रिया जिस डीसी अवंती में बैठे हुए थे वो फाइनली एक बेहद लंबे दरवाजे के सामने आकर रुक जाती है। वो दरवाजा इतना लंबा था कि उसको कवर करने के लिए द ग्रेट खली जितनी हाइट के तीन आदमी लग जाएंगे। दरवाजे के बीच में बड़ा सा कांच लगा हुआ था जिससे कमरे के अंदर की डार्क येलो रंग की लाइट्स और रेड वेलवेट का पर्दा साफ दिखाई दे रहा था। युग और प्रिया जब कार से उतरकर दरवाजे पर पहुंचे तो वहां एक बार फिर दो बिना बाल वाले हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। दोनों के हाथ में एक एक गन थी और मेटल डिटेक्टर मशीन थी। युग एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने गार्ड्स को देखकर चिढ़ गया और प्रिया से बोला, ये इस बंगले में टोटल कितने गार्ड्स होंगे, जहाँ देखो वहीं गार्ड्स, ये कोई आम जगह नहीं है युग,
ये आगरा का सबसे बड़े बिजनेसमैन का घर है, यहाँ तो इतनी टाइट सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। प्रिया अपना मेटल डिटेक्टर टेस्ट करवाते हुए युग की बात का जवाब देती है। इतनी सारी लेवल्स युग ने आज से पहले कंप्यूटर गेम में ही देखी थी और आज उसका पूरा दिन किसी कंप्यूटर गेम जैसा ही बीत रहा है। युग धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, फॉर्च्यून ग्रुप के चेयरमैन जितना बड़ा और अमीर आदमी होना इतना आसान नहीं है। हर वक्त सिक्योरिटी के दायरे में रहना, आम जनता और बड़े आदमी के बीच अनगिनत लेवल्स, बाप रे बाप। युग ये बात सोचते हुए जोर जोर से ना में सर हिलाने लगता है। क्या हुआ युग, तुम ठीक तो हो ना? प्रिया युग को लेकर थोड़ी चिंता में आ जाती है। क्या, हाँ मैं ठीक हूँ। युग का रिएक्शन ठीक ऐसा था जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से उठा दिया हो और उसका सपना टूट गया हो। अब मेटल डिटेक्टर से गुजरने की बारी युग की थी। उसकी पीठ पर एक छोटा सा स्कूल बैग था जिसमें वो चेयरमैन सर के लिए अपने ढाबे के स्पेशल नूडल्स और समोसे गिफ्ट के तौर पर लाया था। चेयरमैन सर ने कहा था कि उन्हें मेरे ढाबे के स्पेशल नूडल्स बेहद पसंद है और फिर खुशी को भी मेरे बनाए नूडल्स बहुत पसंद आए थे। तमाम सिक्योरिटी चेक्स के बाद एक आखिरी बायोमेट्रिक स्टेज की बारी थी जो प्रिया के फिंगरप्रिंट से पार हो गई और बड़ा सा दरवाजा खुलते ही स्पीकर से पहले इंग्लिश और फिर हिंदी में अनाउंसमेंट हुई, वेलकम टू द फॉर्च्यून ग्रुप, फॉर्च्यून ग्रुप में आपका स्वागत है। फाइनली युग और प्रिया ने सिक्योरिटी चेक का लास्ट लेवल भी पार कर लिया और प्रिया हंसकर युग से बोल पड़ी, खुश तो बहुत हो गए आज तुम, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया। मैं असल में ये सिक्योरिटी चेक्स का खेल खेलने यहाँ नहीं आया प्रिया जी, मेरा मकसद कुछ और है। प्रिया के जोक का युग पर कुछ असर नहीं पड़ा। दरवाजे से अंदर आते ही युग और प्रिया अब दूर तक फैले रेड कंक्रीट फ्लोर पर चल रहे थे। थोड़ी ही दूर चलते ही युग को एक मेंशन दिखाई दिया जिसकी दीवारें सिल्वर कलर की और छत लाल कलर की थी। ये मेंशन पूरे 400 एकड़ में फैला हुआ है और यही है चेयरमैन सर का घर। प्रिया एक प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड की तरह युग को चेयरमैन ब्रिजलाल कनोडिया के घर का टूर देने लगी। ये बात एकदम सच है कि फॉर्च्यून ग्रुप के चेयरमैन आगरा के सेलिब्रिटी हैं। रिसेप्शन पर पहुंचते ही युग ने देखा खुशी उसकी ओर भागती हुई आ रही है और वो आकर युग के पैरों से लिपट जाती है और वो युग को देखकर बेहद खुश हो जाती है। ये युग भैया आ गए। युग खुशी को देखकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। नन्ही खुशी न केवल कनोडिया परिवार बल्कि पूरे फॉर्च्यून ग्रुप की जान है। यहाँ हर एक व्यक्ति उसे सिर आंखों पर बैठा कर रखता है। तुम तो बहुत तेज भाग रही हो खुशी बिटिया, मैं तुमसे रेस में कभी नहीं जीत सकता। चेयरमैन साहब अपनी लाडली पोती खुशी के साथ खेलते खेलते रिसेप्शन पर आ जाते हैं और उन्हें सामने खुशी को गोद में लिए युग दिखाई देता है। अच्छा हुआ युग तुम आ गए, मैं बता रहा हूँ अगर तुम कुछ दिन और नहीं आते तो खुशी मुझे पागल कर देती। ब्रिजलाल युग को खुशी की उससे मिलने की जिद और उसकी शरारतों के बारे में बताते हैं। युग सिर झुकाकर ब्रिजलाल से माफी मांगते हुए कहता है, सर दरअसल हाल ही में मेरा ढाबा कुछ अफवाहों के घेरे में आकर ठप हो गया है, इसलिए मुझे आने में समय लग गया, वरना मैं बहुत पहले ही आपसे मिलने आने वाला था। कोई बात नहीं युग बेटा, तुम चिंता मत करो, पूरा कनोडिया परिवार और फॉर्च्यून ग्रुप तुम्हारे साथ है। ब्रिजलाल ने युग का हौसला बढ़ाते हुए कहा, समर्थ तुम्हारी इस मामले में पूरी मदद कर देगा, अगर उसने मदद करने से इनकार किया तो उसे मैं सबक सिखाऊंगा। ड्राइंग रूम का इंटीरियर बेहद खूबसूरत और अनोखा था। लगभग सारा फर्नीचर महंगी लकड़ी का बना हुआ था और हर कोने में एंटिक लैंप लगे हुए थे। एक नौकर सभी के लिए चाय लाता है और युग अपने मन में सोचता है, ये सही मौका है चेयरमैन सर को अपने स्पेशल समोसे और नूडल्स ऑफर करने का, और वो अपने बैग से समोसे और नूडल्स निकालकर चेयरमैन साहब की ओर बढ़ा देता है। ओह युग, तुम नहीं जानते मैंने इन समोसों को कितना मिस किया है, एक समय तक तो मैं इनका आदि हो गया था। अगर सुबह और शाम की चाय के साथ मुझे रामदेव ढाबा के समोसे न मिले तो कुछ फीका फीका सा लगता था, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। चेयरमैन युग के ढाबे के समोसों के फैन थे और वो उनकी तारीफ करते रुक नहीं रहे थे। ब्रिजलाल की शिकायत के बाद अब खुशी की बारी थी। युग भैया पता है मैंने भी आपको बहुत मिस किया। खुशी के चेहरे पर मासूमियत सजी हुई थी और वो उतने ही मासूम अंदाज में युग से बोली, पापा और दादू बहुत गंदे हैं, मुझे बाहर घूमने नहीं जाने देते और कहते हैं बाहर बुरे लोग रहते हैं जिनसे मुझे बचकर रहना है, आप ही बताइए भैया क्या ये सच है? युग नन्ही सी खुशी के मुंह से ऐसी बात सुनकर दंग रह गया। ब्रिजलाल ने एक गहरी सांस ली और बोले, हाल ही में सिक्योरिटी ब्यूरो से न्यूज आई थी, उनका कहना है शहर में दो बदमाश किडनैपर्स खुलेआम घूम रहे हैं, अब ऐसे में जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते हम खुशी को बाहर कैसे भेज सकते हैं, नहीं तो मैं खुद खुशी को लेकर तुमसे मिलने वाला था। युग को याद आया, अरे हाँ कुछ दिन पहले कंप्यूटर पर डीसीपी राठौर इन बदमाश किडनैपर्स के बारे में बता रहे थे कि इन्हें पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ी फोर्स काम कर रही है, तभी समर्थ जी ने मुझे खुद यहाँ उनसे मिलने आने के लिए कहा। सभी लोग बैठकर चाय नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी शांति वहाँ आती है और ब्रिजलाल से कहती है, साहब बाहर दो मेहमान आए हुए हैं। मेहमान? और वो भी इस वक्त? तुमने उन्हें बताया नहीं कि आज समर्थ से मिलने पहले से गेस्ट? ब्रिजलाल ने पहले ही आज का समय युग के लिए फिक्स कर रखा था और अचानक से मेहमान आने से वो चौंक जाता है। साहब वो कह रहे हैं कि उन्हें समर्थ साहब से नहीं आपसे काम है। शांति ब्रिजलाल से कहती है, मुझसे मिलने?
ब्रिजलाल अभी सोच ही रहे थे कि ऐसे बिना अपॉइंटमेंट के उनसे मिलने कौन आ सकता है, तभी दूर से किसी बुजुर्ग आदमी की भारी सी आवाज आई। क्यों भाई ब्रिजलाल, अभी तक जिंदा हो या स्वर्ग सिधार गए? और अगर जिंदा हो तो मुझे लेने बाहर तक नहीं आ सकते तुम? युग को लगा कि जैसे वो आवाज गेट के बाहर से आई, और इससे पहले कि युग अपने मन में कोई और तर्क करता, ब्रिजलाल ने शांति से मेहमान को अंदर लाने के लिए कहा। ये अनोखा मेहमान कोई और नहीं बल्कि ब्रिजलाल का पुराना दोस्त गणेशी लाल था। गणेशी लाल की उम्र लगभग 80 साल होगी और वो सहारे के लिए एक लाठी लेकर चल रहा था। देखो तो जरा आज कौन आया है हमसे मिलने। ये आदमी सालों से न जाने किस बिल में चिपकर बैठा हुआ था और आज जाकर बाहर निकल पाया है। ब्रिजलाल का मूड अपने पुराने दोस्त को देखते ही खिल उठा और वो उससे मजाक करने लगा। लोगों को इसके बारे में कहते सुना था कि गणेशी लाल तो अब बस गणित की किताबों में ही गुजार रहता है, अब वही उसकी दुनिया बन गई है। पता नहीं इतना पढ़कर इसने कोई अवार्ड भी जीता या नहीं। ब्रिजलाल अपने दोस्त गणेशी लाल को चिढ़ा जरूर रहा था, मगर युग को चेयरमैन साहब के चेहरे पर खुशी अलग ही दिखाई दे रही थी। चेयरमैन सर और गणेशी लाल जी पक्का बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हैं, तभी इतने सालों बाद भी इनके बीच का रिश्ता बरकरार है। ये पल कितना सुखद और सुंदर है। युग अपने ख्यालों की दुनिया में चला गया। गणेशी लाल के बाल एकदम सफेद थे और उन्होंने पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था। उनके साथ उनका 5-6 साल का पोता शशांक भी आया हुआ था। शशांक को देखकर प्रिया युग के कान में धीरे से बोली, युग उस बच्चे की आंखें देखो, कितनी सुंदर है ना। युग ने शशांक को गौर से देखा और प्रिया से खुसफुसाते हुए बोला, हाँ वाकई इस बच्चे की आंखें बहुत सुंदर हैं। मैंने नीली आंखों वाले लोग अपनी लाइफ में अब तक कम ही देखे हैं, मगर इस बच्चे के बारे में एक खास बात और है। क्या आपने नोटिस करी प्रिया जी? कौन सी बात युग? इसके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस है और इसका जो एटीट्यूड है, वो आमतौर पर इतने छोटे बच्चों में देखने को नहीं मिलता। मुझे लगता है इतनी कम उम्र में ऐसा एटीट्यूड और प्राइड नहीं होनी चाहिए। युग उस बच्चे को देखकर अब भी दंग था। शशांक के बाल भूरे रंग के और घुंघराले थे। वो जब से आया था तभी से चारों ओर नजरें घुमा घुमा कर देख रहा था, मगर हर बार उसकी नजर नन्ही खुशी पर आकर रुक जाया करती थी। गणेशी लाल ने एक नजर युग को देखा और अपने दोस्त ब्रिजलाल से मजाक करते हुए बोला, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा उठना बैठना आजकल बच्चों के साथ हो रहा है। ब्रिजलाल अपने दोस्त गणेशी लाल को युग के बारे में बताना शुरू करते हैं। इससे मिलो, ये है युग यादव। और तभी गणेशी लाल उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, मुझे नहीं जानना ये बच्चा कौन है, मैं कुछ देर बाद भूल ही जाऊंगा, और वैसे भी मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। गणेशी लाल को पहली बार देखकर युग जितना खुश हुआ था, उसकी बात सुनकर उसे उतना ही अजीब लगा। उसने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कोई आदमी देखा था। भाई गणेशी लाल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी से इस तरह से बात कर सकते हो। ब्रिजलाल युग के सामने शर्मिंदा महसूस कर रहा था। खैर तुम्हें मैं साफ साफ बता दूं कि युग कोई मामूली बच्चा नहीं है। गणेशी लाल युग को दो बार सिर से पैर तक अच्छी तरह देखता है और मन ही मन सोचने लगता है, देखने में तो ये पिद्दी सा लड़का किसी दूसरे बच्चे की तरह ही लग रहा है, फिर ब्रिजलाल को इसमें न जाने ऐसा क्या दिखाई दे गया। कौन सी इक्वेशन में खो गए गणितज्ञ साहब? ब्रिजलाल अपने दोस्त के चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहते हैं, मैं किसी इक्वेशन में नहीं खोया, और सुनो मैं यहाँ गप मारने नहीं आया, समझे? मेरे पास एक अद्भुत खजाना है ब्रिजलाल, जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। गणेशी लाल सीना चौड़ा करके और अकड़ कर बोलता है, शशांक बेटा ग्रैंडपा के पास आओ। गणेशी लाल अपने पोते को पास बुलाता है और उसकी पीठ थपथपाते हुए उसकी ओर गर्व से देखने लगता है। गणेशी लाल और शशांक इस कहानी और युग की लाइफ को किस तरफ मोड़ेंगे? क्या युग को अपनी समस्या का हल मिल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मैं बनूंगा सुपर हीरो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गणेशी लाल जैसे ही शशांक को अपने पास बुलाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं, शशांक अपनी उम्र के बाकी बच्चों से एकदम अलग, बिना हिचकिचाए सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बिल्कुल मक्खन की तरह अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। नमस्ते दादाजी। शशांक अपनी स्वीट आवाज में बड़ी ही तमीज से ब्रिजलाल को विश करता है। मैं सेंट जोसेफ स्कूल के ग्रेड 1 में पढ़ता हूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है और मैं अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता हूँ। गणेशी लाल के पोता शशांक को एक सांस में इतने सारे शब्द बोलते देख ऐसा लगा मानो किसी ने शंकर महादेवन का गाना चला दिया हो। ग्रेड 1 में पढ़ रहे छोटे बच्चे के मुंह से इतना स्मूथ इंट्रोडक्शन सुनकर और उसका कॉन्फिडेंस देखकर एक बात तो साफ हो गई थी कि उसने अपने अभी तक के जीवन में स्टेज फियर जैसा कोई शब्द नहीं सुना होगा। ब्रिजलाल चौंक कर अपने दोस्त से पूछता है, क्या ये तुम्हारा बेटा है? ब्रिजलाल की बात सुनकर गणेशी लाल जोर के ठहाके लगाकर हंसने लगता है। लगता है तुम्हारी उम्र तुम पर अपना असर बखूबी छोड़ रही है। शशांक मेरा पोता है ब्रिज। उन दिनों मैं अपने बेटे को तुम्हारे बेटे से कंपेयर किया करता था। मुझे अब भी याद है कि तुम्हारा बेटा समर्थ अपने कॉलेज के दिनों में बहुत अय्याश था। आज इतने सालों बाद वो समझदार और बड़ा आदमी बन गया है। उन दिनों मेरा समय खराब चल रहा था। आज 2 पीढ़ी बाद हम हमारे पोते पोती के बीच कंपटीशन कराना मजेदार होगा।
दो पक्के दोस्तों के बीच इस तरह की बातचीत सुनकर युग के दिमाग में हजारों सवाल एक के बाद एक पिंग पोंग की तरह उछल रहे थे, जिन्हें वो एक एक करके प्रिया की झोली में उधेलता जा रहा था। चेयरमैन सर और गणेशी लाल जी को देखकर लगता नहीं कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये जानी दुश्मन हैं। दरअसल बात ऐसी है योग, अपनी जवानी के दिनों में चेयरमैन सर और उनके दोस्त के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। साथ उठना बैठना, खाना पीना, जीना मरना ही उनकी दोस्ती की पहचान बन गई थी। उनके चर्चे मोहल्ले और कॉलेज में इतने फेमस थे कि लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। प्रिया युग को बीते दिनों की सैर पर ले गई। अच्छा, फिर ऐसा क्या हुआ जो आज चेयरमैन सर के दोस्त उनसे इस तरह बात कर रहे हैं? युग ने अपने अनगिनत सवालों के खजाने में से एक और सवाल प्रिया के सामने पेश किया। प्रिया ने भी अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल करके कहानी जारी रखी और बोली, समय के साथ जैसे जैसे वो बूढ़े हो गए, उनके बीच कंपटीशन का कीड़ा पनपने लगा और मिलिट्री के दिनों से लेकर उन्होंने अपने वाहियात चेस खेलने की स्किल्स को तराजू में रखा और दोनों ही एकदम बराबर के खिलाड़ी निकले। गणेशी लाल जी को चेयरमैन सर से कंपटीशन का ऑब्सेशन इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपनी जमीन जायदाद, लाइफ स्टाइल, घर, गाड़ी और यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों तक को नहीं बख्शा। अरे बाप रे, कोई किसी के लिए अपने अंदर इतनी ज्यादा खुन्नस कैसे पाल सकता है? युग प्रिया की बात सुनकर हैरान हो गया। गणेशी लाल की फूटी किस्मत का खेल कहा जाए या ब्रिजलाल के चमकते सितारों का, समर्थ यानी उनके बेटे पर ईश्वर की इतनी कृपा रही कि वो 30 साल की उम्र में गणेशी लाल के बेटे को पछाड़ते हुए आगरा का सबसे अव्वल बिजनेसमैन बनकर उभरा। हालांकि गणेशी लाल अपने दोस्त ब्रिजलाल से कई सालों बाद मिलने आया था, उसकी नजर युग की गोद में बैठी नन्ही खुशी पर पड़ी और वो सभ्य आदमी की एक्टिंग करते हुए पहले ब्रिजलाल से बोला, कितनी प्यारी बच्ची है, ये तुम्हारी पोती है ना ब्रिज? हाँ भाई गणेशीलाल, यही है हमारे परिवार और फॉर्च्यून ग्रुप की जान, मेरी पोती खुशी। गणेशीलाल ने फिर खुशी की ओर मुड़कर पहले उसको कुछ देर निहारा और फिर उससे पूछा, तुम कितने साल की हो बिटिया, तुम्हें क्या क्या आता है? खुशी को अपने दादू का दोस्त एक आंख भी नहीं भा रहा था। गणेशीलाल को अपने मन का जवाब न मिलने पर वो अपने पोते शशांक की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, मेरे राजा बेटे, तुम बताओ तुमने आज तक कौन कौन से अवार्ड्स जीते हैं? शशांक ने बड़े गर्व के साथ अपने दादू को अपने अचीवमेंट्स बताने शुरू किए और बोला, मैं जब 3 साल का था तब मैंने पाई के डेसिमल के बाद के 1000 डिजिट्स याद कर ली थी। उसके बाद 4 साल की उम्र में मैंने नेशनल जूनियर मैथमेटिक्स चैलेंज में भाग लिया था और मुझे प्राइमरी स्कूल लेवल पर फर्स्ट प्राइज मिला था और 5 साल का होने पर सिंगापुर मैथ्स चैंपियनशिप में मुझे गोल्ड मेडल मिला था। शशांक अपने अचीवमेंट्स की लिस्ट इतने अच्छे से याद करके आया था और एक के बाद एक फटाफट बोलता जा रहा था कि इस बात पर अवार्ड मिलना चाहिए। ब्रिजलाल एक मिनट के अंदर शशांक की दर्जन भर उपलब्धियों को सुनकर सोच में पड़ गया, कितना होनहार और कमाल का बच्चा है गणेशीलाल का पोता शशांक। जहां तक कि युग भी शशांक की स्पीच सुनकर दंग रह गया और मन ही मन खुद से बोला, यार ये कितना अमेजिंग बच्चा है, ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं बल्कि ये तो पक्का प्रोडिजी है। अगर युग भी एक आम बच्चा होता तो वो शशांक से कोचिंग लेने के बारे में सोचता, लेकिन युग के अंदर का सिस्टम युग को एक इशारे में मैथमेटिक्स का मास्टर लेवल दिला सकता था, जिसके सामने शशांक की स्किल्स एकदम दिखाई पड़ती जैसे हाथी के सामने चींटी। इसलिए युग चुपचाप स्माइल करते हुए शशांक की बातों को सुनता रहा। युग को शांत बैठा देख सिर से पैर तक घमंड में डूबा गणेशीलाल वापस अपने घमंडी अंदाज में बोल पड़ा, मुझे लगता है इस बच्चे को तो ये भी पता नहीं होगा कि ये किस लेवल के कंपटीशन है ना? अगर इसे पता होता तो ये इतना शांत थोड़ी बैठा होता। युग पर कसे अपने दादू के तंज को सुनकर शशांक भी मन ही मन खिलखिला उठा और सोचने लगा, दादू एकदम सच कह रहे हैं, इस लड़के को देखकर तो ये भी नहीं लगता कि ये किसी अच्छे स्कूल में कभी गया होगा। असल में गणेशी लाल का टारगेट नन्ही खुशी थी, वो तो युग कहीं से उसकी नजर में आ गया तो उसने उसे ही लपेटे में ले लिया। कुछ देर और लगातार बोलने के बाद शशांक खुद ही चुप हो गया। युग और खुशी को इतनी देर से काम और शांत देखकर शशांक के माथे पर शिकन पड़ने लगी और वो खुशी से बोला, सुनो खुशी, मैं मेरी स्किल्स और टैलेंट के बारे में सुनकर तुम्हें कैसा लगा? खुशी ने मौके की नजाकत को समझते हुए अपना सिर गर्व से उठाया और गुस्से में खुशी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम बहुत नादान हो, और वो वापस से युग की ओर मुंह करके बैठ गई। यूं तो सभी का ध्यान अभी शशांक पर ही था, बस फर्क सिर्फ इतना था कि पहले सब दंग होकर उसे देख रहे थे और अब धीरे धीरे लोगों को उस पर तरस आ रहा था। शशांक ने युग और खुशी के ब्लैंक एक्सप्रेशंस देखे तो वो चिढ़ गया और उसे उनसे जलन होने लगी। उसने अपनी उम्मीद भरी नजर वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की ओर घुमाई और जब उसे किसी से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो वो युग की तरफ मुड़कर खींचते हुए बोला, लड़कियों का वैसे भी लड़कों से कोई मुकाबला थोड़ी होता है, वे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, पर फर्स्ट तो हमेशा लड़के ही आते हैं, भला खुशी से इन टॉपिक्स पर बात करने से कोई मतलब नहीं है। अब तक युग एकदम चुप बैठा हुआ था, लेकिन जब शशांक ने खुशी के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू किया तो युग का पारा चढ़ गया और वो खुद को नहीं रोक पाया। युग पहले तो शशांक की ओर कुछ देर गुस्से से घूरा, फिर उससे बोला, बच्चे
तुम्हें जिसने भी इतनी सारी स्किल सिखाई, पर किसी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि किसी लड़की से तमीज से बात कैसे करते हैं। फिर बताओ, आखिर ऐसा टैलेंट भी कोई काम का हुआ? युग के शरीर में खलबली मच रही थी और गुस्से से भरा युग वापस बोल पड़ा, मास्टर खुशी एकदम सही बोल रही थी, तुमने अभी अभी जो इतनी सारी अचीवमेंट्स गिनाई हैं, ये सचमुच बहुत बेहुदा और बचकानी हैं। खुशी मास्टर? किसी को भी ये बात समझ नहीं आई कि युग ने खुशी को मास्टर क्यों कहा। इतने बड़े हॉल में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ था और वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति युग की बातें सुनकर दंग रह गया था। युग ने खुशी को उसका साथ देने के लिए धीरे से इशारा किया। नन्ही खुशी बहुत इंटेलिजेंट थी और वो युग का इशारा फटाक से समझ गई और बोली, हाँ युग मेरा स्टूडेंट है और उसने अभी अभी जो भी कहा वो एकदम सच है। आप और तुम भी शशांक सब खुशी के स्टूडेंट हैं और खुशी हम सब की मास्टर है। युग ने सबकी ओर बारी बारी से इशारा करते हुए कहा। शशांक को युग और खुशी की कही हुई बात का एक भी शब्द समझ नहीं आया और वो ब्लैंक होकर उन्हें घूरने लगा। क्या तुम वाकई अपने आप को मैथमेटिक्स का जीनियस मानते हो? युग ने शशांक से एक सवाल किया और बोला, तुम कितने भी महारथी हो या जीनियस हो, लेकिन मेरी मास्टर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, समझे? युग फिर खुशी की तरफ मुड़ा और उससे अपनी बात का वैलिडेशन मांगते हुए बोला, बताइए मैं सही कह रहा हूँ ना मास्टर? खुशी अब पूरी तरह रोल में आ चुकी थी और उसने अपनी जबरदस्त एक्टिंग जारी रखते हुए हाँ में सिर हिलाकर युग की बात को एक्सेप्ट किया। युग 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 ब्रिजलाल युग की इस हरकत से ना खुश था। उसने मन में सोचा, तुम्हें नहीं पता ये तुमने क्या कर दिया है। अगर खुशी की सच्चाई इस दादा पोते की चोरी को गलती से भी पता लग गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, हमारी समाज में बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? गणेशी लाल का गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान को भी पार कर आठवां आसमान खोजने निकल चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को मैथ्स में खुशी से कंपेयर करने की? गणेशी लाल अपने पोते के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता था और वो हार तो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता था, इसलिए उसने अपने अनगिनत सवालों की सीरीज खोल दी और वो आगे बढ़ा और उसने अपनी भौहें चढ़ाते हुए ब्रिजलाल से पूछा, अच्छा ब्रिज तुम बताओ तुम्हारी पोती ने मैथ्स में कौन से अवार्ड्स जीते हैं? ब्रिजलाल को बातों को घुमाना, कहानियां बनाना और एक्टिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता था। जैसे ही गणेशी लाल ने उसकी तरफ एक तेज तर्रार सवाल फेंका, वो हड़बड़ा गया और उसके मुंह से टूटे फूटे शब्द और वाक्य निकलने लगे। वो मैं खुशी ने जीनियस, और उसके माथे से पसीने की एक बूंद बहती हुई उसके गाल तक ऐसे आ गई जैसे हिमालय से गंगा। अब युग फॉर्च्यून ग्रुप के चेयरमैन ब्रिजलाल कनोडिया की इज्जत बचाने के लिए क्या चाल चलेगा? क्या गणेशी लाल इस बार अपने दोस्त को नीचा दिखाने में कामयाब हो पाएगा या युग को अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मैं बनूंगा सुपर हीरो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युग के चेहरे पर स्थिरता अपने दोनों पैर फैलाकर लेटी हुई थी। वो कुछ देर तक अपने मन में इस बहस को वापस अपने पक्ष में मोड़ने के बारे में ही सोचता रहा और फिर बड़े आराम से अपने थॉट्स को शब्दों में पिरोकर गणेशी लाल से बोला, आप अगर एक बिट्टी से मच्छर को मारने के लिए तोप लेकर आ जाएंगे तो कैसे चलेगा? शशांक की मैथ्स स्किल्स तो मुझसे भी खराब हालत में है, फिर मेरी मास्टर का उससे क्या ही मुकाबला? युग एक के बाद एक अपने तर्कों से शशांक और उसके दादाजी पर वार करता जा रहा था। ओए लड़के, क्या तुम सचमुच पागल हो? गणेशी लाल के सब्र के बांध में दरार पड़ने लगी थी और वो अपना आपा खोता जा रहा था। इन तर्कों के घमासान युद्ध में युग को एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो गणेशी लाल की बातों से हार जाएगा, मगर जैसे ही उसने अपने आप को शांत किया और इस बहस को खेल की तरह खेलना शुरू किया तो उसका डर छो मंतर हो गया और कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ गया। युग अब बस स्माइल करते हुए शांत स्वभाव से गणेशी लाल की तरफ देख रहा था और वहीं दूसरी ओर गणेशी लाल के होश उड़े हुए थे और वो सोच रहा था, ब्रिजलाल सच कहता है कि ये लड़का कोई साधारण बच्चा नहीं है। आखिरी बार मुझे ऐसी फीलिंग तब आई थी जब मेरा सामना ग्वालियर के कलेक्टर से हुआ था। मैं तब उनसे तो जीत गया था, लेकिन मुझे आज सच में डर लग रहा है। गणेशी लाल के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और वो एयर कंडीशन हॉल में बैठे बैठे पसीने से भींग चुका था। नन्ही खुशी अपने नाम की तरह आज बहुत खुश थी। वो युग की गोद से नीचे कूद कर शशांक के सामने खड़ी हो गई और उससे बोली, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, हिम्मत है तो मेरे युग भैया से मुकाबला करके दिखाओ। शशांक को मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग अपने दादू गणेशी लाल से ही मिली थी। बचपन से वो उसे रोज 2 घंटे नंबर गेम्स सिखाते थे और मैथ्स के सवाल सॉल्व करवाते थे। शशांक मैथ्स में लगभग सारी कठिनाइयों को अपने आप ही दूर कर लेता था और इसलिए उसने कॉम्पिटिशन्स में इतने सारे अवार्ड्स जीत लिए थे। वो अपने दोस्तों के बीच बहुत मशहूर हो गया था और लोग उसे जीनियस शशांक बुलाने लगे थे। शशांक को हमेशा से ही लाइमलाइट में रहने की आदत थी और आज युग ने उसके इस भ्रम को चूर चूर करके रख दिया। क्या कहते हो शशांक भाई, हो जाए दो दो हाथ? युग खुशी के आइडिया से सहमत होकर बोला। शशांक सिर खुजलाते हुए सोचता है, गणेशी लाल अब तक काम हो चुका था और उसे अब भी अपने पोते शशांक की मैथमेटिक्स स्किल्स और अपनी सालों की ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा था। वो मन ही मन सोच रहा था, भले ही ये लड़का थोड़ा अजीब है पर फिर भी मुझे अपने पोते जीनियस शशांक के स्किल्स पर
कोई शक नहीं है। शशांक को तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथ्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से भी एप्रिसिएशन मिला था। शशांक को कुछ समझ नहीं आने पर वो अपने दादाजी की तरफ देखता है और उनके एक इशारे से उसे ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। वो युग से मुकाबला के लिए हाँ करते हुए कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, क्या तुम मुझसे मेंटल कैलकुलेशंस का मुकाबला कर सकते हो? मैं वैसे तुमसे मेंटल अर्थमेटिक का मुकाबला करना चाहता था, मगर तुमने मेंटल कैलकुलेशन को चुना है तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। युग मेंटल कैलकुलेशन सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, मगर फिर वो शशांक का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। शशांक के दिए चैलेंज से सोच में पड़ गए युग को गणेशीलाल नोटिस कर लेता है और मन में सोचता है, मुझे तो लगता है ये लड़का मेंटल कैलकुलेशन में थोड़ा कमजोर है। गणेशीलाल कंपटीशन के रूल्स अनाउंस करने ही वाला होता है कि युग उसको बीच में टोकते हुए कहता है, एक मिनट रुकिए जरा। अरे यार अब क्या दिक्कत है तुम्हें युग? गणेशीलाल पहले ही युग से इतना चिढ़ा हुआ था और अब युग के टोकने पर वो अपना बचा खुचा धैर्य भी खो बैठता है। अगर मैं ये कॉम्पिटिशन जीत गया तो वादा करो मैं जो भी बोलूंगा वो करना पड़ेगा। युग ने शशांक को एक काउंटर चैलेंज दे दिया। युग का शातिर दिमाग अपनी तेज रफ्तार में चल रहा था और इस चैलेंज के पीछे भी उसने कुछ तो खुराफात सोच रखी होगी। युग की बात सुनकर गणेशीलाल का मन किया कि वो उसे फौरन मना कर दे, लेकिन वो हमेशा से मार्शल आर्ट्स फॉलो करता आया था और गणेशीलाल की उस फील्ड में बहुत इज्जत होने के कारण किसी को प्रॉमिस करना बहुत ज्यादा मायने रखता था। गणेशीलाल के लिए किसी से कैजुअली प्रॉमिस करना नामुमकिन था। गणेशीलाल ने युग की आंखों में बेचैनी साफ देख ली थी। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़का मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। हारने वाले को तुम्हारी कौन सी बात माननी होगी? गणेशीलाल ने युग की तरफ कंफ्यूजन में आकर पूछा। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें पूरे एक घंटे तक अंगूरी बाग चौराहे पर मुर्गा बनकर रहना होगा। ये बोलते ही गणेशीलाल और शशांक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। गणेशीलाल का काउंटर चैलेंज सुनते ही युग को अंदर से थोड़ा डर लग रहा था और वो मन ही मन सोचने लगा, अगर मुझे चेयरमैन सर के बंगले के पास अंगूरी बाग चौराहे पर सबके सामने मुर्गा बनना पड़ा तो मुझे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मगर चेयरमैन सर को अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। नहीं नहीं ये तो मैं नहीं होने दूंगा। ये तो मैं जब उसने जवाब देना चाहा तब तक वो पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। युग के अंडर कॉन्फिडेंट बिहेवियर को भांपकर गणेशीलाल को ये यकीन हो जाता है कि उसने युग का हौसला चूर चूर कर दिया और वो मन ही मन निश्चिंत होकर सोफा पर आराम से पैर फैलाकर बैठ गया। मुर्गा अंगूरी बाग पर और वो भी एक घंटे के लिए? युग अपने नाखूनों को दांत से चबाते हुए कहता है, क्यों हवा निकल गई क्या? शशांक युग को जीभ चिढ़ाते हुए कहता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, गणेशीलाल धीरे से शशांक के कान में कहता है और शशांक अपनी हंसी नहीं रोक पाता और वापस ठहाके लगाने लगता है। गणेशीलाल युग को अपने पोते से हारता हुआ देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार कंपटीशन शुरू हुआ। ब्रिजलाल और गणेशीलाल दोनों ने एक एक कागज पर 10 से भी ज्यादा अंकों वाले नंबर्स लिखे और उन्हें आपस में मिक्स करके उनसे कठिन सवाल बनाकर युग और शशांक के सामने पेश कर दिया। अब देखना यह था कि युग और शशांक में से कौन सबसे पहले 10 सवाल हल करके कॉम्पिटिशन जीत पाता है। ब्रिजलाल को खुद इस कॉम्पिटिशन को लेकर घबराहट होने लगी थी। उसे युग की बहुत चिंता थी। अगर युग गणेशीलाल के पोते जीनियस शशांक से हार गया तो क्या होगा? अब बात केवल युग के सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं थी बल्कि फॉर्च्यून ग्रुप के मालिक श्री ब्रिजलाल कनोडिया की इज्जत तक दांव पर लग चुकी थी। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ युग, तुम इतने नादान तो नहीं हो, फिर तुमने बिना सोचे समझे इतना बड़ा चैलेंज कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ब्रिजलाल ने एक चिंता भरी सांस ली और मन ही मन सोचा। उनके मन की उलझन चेहरे पर साफ झलक रही थी। युग को टफ कंपटीशन देकर गणेशीलाल को जितनी खुशी हुई उससे कई गुना ज्यादा ब्रिजलाल के चेहरे पर टेंशन देखकर हो रही थी। युग और जीनियस शशांक के सामने टेस्ट पेपर्स रख दिए जाते हैं और गणेशीलाल अपनी स्टॉपवॉच चालू करके मेंटल कैलकुलेशन कंपटीशन की शुरुआत कर देते हैं। शशांक अपने जीवन में पहली बार पेपर्स में इतना ज्यादा घुसा था। वो एकदम सीरियस होकर सवालों की तरफ देख रहा था। ऐसा कहना गलत तो नहीं होगा कि शशांक की मैथमेटिक्स एबिलिटी स्किल्स की भी बाकायदा इज्जत की जानी चाहिए। ये मैंने पहली प्रॉब्लम सबसे तेज सॉल्व कर दिखाई। शशांक पहली प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मन ही मन बहुत खुश हो उठता है। युग और शशांक को दी गई प्रॉब्लम्स सच में इतनी कठिन थी कि कोई आम आदमी तो उन सवालों को पढ़ने और उन्हें समझने में ही पूरा वक्त जाया कर दे। पहला सवाल खत्म करने के बाद शशांक अपने चेहरे पर स्माइल लिए तिरछी आंख करके युग को एक नजर देखता है और वापस अपना ध्यान टेस्ट पेपर पर लगाता है और अगला सवाल हल करने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ युग ने अब तक पेन को हाथ तक नहीं लगाया था और वो अपनी दोनों आंखें पूरी तरह से बंद करके न जाने क्या सोच रहा था। ये तुम क्या मजाक कर रहे हो युग? समय निकलता जा रहा है और सवाल पढ़ना और हल करना तो दूर, तुमने अभी तक पेन तक हाथ में नहीं उठाया है। ब्रिजलाल को युग का रिएक्शन देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो युग को एक जोर का थप्पड़ जड़ दे। ए लड़के, मैं जान सकता हूँ ये सवाल हल करने का कौन सा मेथड है? गणेशीलाल युग से बेहुदा सा सवाल करता है और युग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स न आने पर खुद ही अपने सवाल का जवाब देने लगता है। अच्छा अब समझा, तुम ईश्वर से सवालों के हल पूछने के लिए मेडिटेशन कर रहे हो। अच्छा है अच्छा है, मगर एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ,
इन सवालों के जवाब तुम्हें खुद ईश्वर भी नहीं बता सकते, समझे? लगे रहो। गणेशी लाल युग को ताना मारते हुए जोर जोर से राक्षस की तरह हंसने लगता है। शशांक के दादाजी को युग की हरकत देखकर ये यकीन हो गया अब तो खेल खत्म ही समझो। उनका मानना था कि आज इस मेंटल कैलकुलेशन कंपटीशन का विजेता और कोई नहीं बल्कि उनका होनहार और जीनियस पोता शशांक ही होगा। अगर ऐसा हुआ तो युग को अंगूरी बाग चौराहे पर तमाम आवाम के सामने मुर्गा बनकर पूरे एक घंटे खड़े रहना होगा। ये हार केवल युग की ही नहीं होगी बल्कि इसमें फॉर्च्यून ग्रुप के चेयरमैन साहब श्री ब्रिजलाल कनोडिया और उनकी लाडली पोती होशी की भी बराबर हिस्सेदारी होगी। गणेशी लाल एकदम निश्चिंत होकर अपने मन में गाना गुनगुना रहे थे। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ब्रिजलाल है पीछे। और तभी अचानक एक खांसी की आवाज उनके सुर और ताल को हिला देते हैं। युग नींद से जागते हुए अंगड़ाई लेता है और अपनी नींद भरी आंखें पोंछते हुए कहता है, ओह मुझे माफ करना, ये इतने आसान सवाल हैं कि इन्हें देखते ही मेरी नींद लग गई। सारे के सारे ही शशांक युग की बात सुनकर हर्ट हो गया। बेटा शशांक ने लगभग सारे सवाल हल कर लिए हैं। गणेशी लाल ने युग से कॉन्फिडेंस के साथ याद दिलाया। युग और शशांक को 10-10 सवाल हल करने के लिए मिले थे जिसमें से शशांक 9 पहले ही हल कर चुका था और अब बस एक सवाल बाकी था। गणेशी लाल ने पहले ही शशांक को विजेता घोषित कर दिया और खड़े होकर अपना कुर्ता ठीक करने लगा। वहीं दूसरी तरफ चिंता के कारण ब्रिजलाल के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। साथ ही अब नन्ही खुशी भी घबरा कर युग से बोली, युग भैया क्या कर रहे हो, जल्दी करो वरना हम हार जाएंगे। आखिर युग के दिमाग में इस समय क्या चल रहा होगा? क्या युग अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके शशांक को हरा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मैं बनूंगा सुपर हीरो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। देखते ही देखते पूरे ड्राइंग रूम में इतना सन्नाटा फैल गया था कि वहां बैठे हर एक व्यक्ति की सांसों की गूंज साफ सुनी जा सकती थी। युग भर लोगों की नजरें कुछ यूं टिकी हुई थीं मानो वो भारत का बल्लेबाज हो जिसे पाकिस्तान के खिलाफ मैच की आखिरी गेंद पर 6 रन बनाने हो। युग आंखें बंद करके मन ही मन अपनी सुपर पावर एक्टिवेट करता है। हे मेरे शरीर की शक्ति, मैथमेटिक्स के इन कठिन सवालों के हल मेरी मसल मेमोरी में फीड कर दो। और कुछ ही सेकेंड्स में युग के हाव भाव बदल जाते हैं। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आने लगता है और उसकी आंखों से तो मानो नूर बरसने लगता है। युग अब पहले से बिल्कुल अलग इंसान में तब्दील हो जाता है। पहला सवाल सॉल्व हो गया। युग अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करके एक एक सवाल बुलेट की स्पीड से हल करता जाता है। अगले कुछ सेकेंड्स में युग दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवां और दसवां सवाल भी हल कर लेता है और टेस्ट पेपर को गणेशी लाल की ओर खिसकाते हुए अपने हाथ की उंगलियां चटकाने लगता है। हाश, पूरा का पूरा टेस्ट एक चुटकी में खत्म। युग अंगड़ाई लेते हुए बड़बड़ाता है। शशांक के पास अब भी एक सवाल हल करने को बाकी रह गए थे और युग का रिएक्शन देखकर वो और भी प्रेशर में आ जाता है और अपना 100% ध्यान उस एक लास्ट सवाल पर लगाने की कोशिश करता है। क्या ये हो ही नहीं सकता? गणेशी लाल युग की बात सुनकर पूरी तरह हिल जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतने मुश्किल सवाल कुछ ही सेकेंड्स में कैसे हल कर सकता है। हो ना हो इस लड़के ने कुछ तो गड़बड़ की है। ब्रिजलाल शांति को आवाज देकर कैलकुलेटर मंगवाता है और कहता है, युग अपना टेस्ट पेपर लाओ मुझे दो, मैं खुद सारे जवाब चेक करता हूँ। अगले ही पल शांति स्टडी रूम से साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर आती है और अपने साहब ब्रिजलाल कनोडिया को थमा देती है। ब्रिजलाल जैसे ही कैलकुलेटर से युग के आंसर्स मिलाने लगता है, गणेशी लाल एक नजर टेस्ट पेपर पर डालता है और फिर कैलकुलेटर पर, और हर एक सवाल के बाद उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं और वो चौंक कर सिर पकड़ते हुए सोचता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, सारे सवालों के जवाब सही है। गणेशी लाल अपने दोस्त के हाथ से युग का टेस्ट पेपर और कैलकुलेटर छीन लेता है और एक बार फिर से चेक करने ही वाला होता है कि तभी शशांक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रहने दीजिए दादू, मैंने 2 बार युग के आंसर्स खुद से चेक किए हैं और वो सारे सही हैं। अब एक बात तो साफ हो गई थी कि जीनियस शशांक मेंटल कैलकुलेशन के कॉम्पिटिशन में युग से हार चुका था। जीनियस शशांक ने बचपन से आज तक हार नहीं चखी थी। लोग उसे हमेशा से ही मैथ्स में प्रोडिजी मानते थे। ये उसके साथ पहली बार हुआ था कि उसे किसी ने इतनी बुरी तरह से हराया था। वो अपनी जगह से उठकर सीधा युग के पास पहुंचा और बोला, युग भैया मेरी मेंटल कैलकुलेशन एबिलिटी आपसे अच्छी नहीं है, आप ये कॉम्पिटिशन जीत चुके हैं, मैं अब और मेहनत करूंगा और अगली बार आपसे दोबारा मुकाबला करने की कोशिश करूंगा। शशांक का उदार बर्ताव देखकर युग उसके बारे में अच्छा सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। जीतने के बाद घमंड न करना और हारने के बाद निराश न होना हर व्यक्ति को मुकाबले में याद रखना चाहिए। शशांक के बाद उसके दादाजी गणेशी लाल के अच्छे बर्ताव ने युग को और प्रभावित कर दिया। युग बेटा, ब्रिजलाल सच ही कहता है, तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो बल्कि अद्भुत बच्चे हो। अब मैं नन्ही खुशी को तुम्हारे पास से ले जाऊंगा और उसे भी ट्रेनिंग दूंगा। युग गणेशी लाल की बात सुनकर कुछ भी नहीं कह पाता। वहीं नन्ही खुशी एक्साइटेड होकर उछलने लगती है और युग को जीत की बधाई देते हुए कहती है,
अरे वाह, मेरे प्यारे युग भैया जीत गए, आप तो एकदम कमाल हैं, ये। इतना सब कुछ होने के बाद ब्रिजलाल के मन को थोड़ी राहत मिली और उसने एक लंबी सांस ली और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे अब युग पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया था। इतना अच्छा खाना बनाने वाला, जोरदार पर्सनैलिटी और बिजनेस माइंड वाला लड़का युग तो सचमुच सर्वगुण संपन्न इंसान है। ऐसा कोई दूसरा पूरी दुनिया में लाख ढूंढने पर भी शायद ही मिलेगा। ब्रिजलाल के दिमाग के घोड़े अब दौड़ना शुरू कर चुके थे और ऐसा लगता था कि वो अब कभी नहीं रुकेंगे। काश ऐसा हो सकता कि युग जैसा लड़का समर्थ का असिस्टेंट बन जाए और साथ ही कनोडिया खानदान के वंश को आगे बढ़ाए। ब्रिजलाल अब युग और खुशी को एक ही फ्रेम में बैठा देखकर उनके भविष्य के बारे में सोचने लगा। वहीं दूसरी ओर गणेशीलाल के चेहरे पर अब तक 12 बजे हुए थे और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर करेले का कड़वा जूस पिला दिया हो। मुझे अपनी स्किल्स और ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा है। मेरा होनहार पोता शशांक सच में जीनियस है। कल के आए इस बिद्दी से युग ने मुझे आज अपने जाल में बखूबी फंसाया है। गणेशीलाल को अभी अपने पोते शशांक के हुनर और तेज दिमाग पर पूरा भरोसा था और वो ये सब सोचकर और भी ज्यादा बेचैन उठा। अगर ये बात कहीं ताजगंज में फैल गई तो मेरे सालों की लगाकर बनाई इज्जत पर पानी फिर जाएगा। मेरे दोस्त और जानने वाले मेरा ये कहकर मजाक उड़ाएंगे कि बताओ इतना विद्वान आदमी एक छोटे से बच्चे से हार गया। गणेशीलाल इस वक्त बहुत गुस्से में था और उसने एकदम धीमी आवाज में कहा, आज का दिन ही खराब है। युग का जीतना बस एक संयोग है और इससे ये कतई साबित नहीं होता कि युग मेरे पोते शशांक से ज्यादा होशियार और काबिल है। अगर ये मुकाबला मैथमेटिक्स की किसी और विधा में होता तो मेरे पोते जीनियस शशांक को कोई भी नहीं हरा सकता था। गणेशीलाल के इस बर्ताव से वहां मौजूद लोगों में से किसी पर भी कोई खास असर नहीं पड़ रहा था, उल्टा लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे। ब्रिजलाल ने तो हंसते हुए अपने दोस्त से कह भी दिया, भाई गणेशीलाल निराश मत हो, हार जीत तो लगी ही रहती है, ये तो बच्चे हैं, इनकी वजह से हम अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाएं? तुम भी अपना गुस्सा थूक दो, नहीं तो तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे दोस्त। इतने में शांति आती है और ब्रिजलाल से कहती है, साहब डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया है। अरे चलो भाई, जो बीत गई सो बात गई, अब हमें आपस में खाने का मुकाबला करना चाहिए, नहीं? ब्रिजलाल ने सबको खाने के लिए इनवाइट किया और उसे वापस हंसी आने लगी। गणेशीलाल गुस्से में मुंह बनाकर बोला, मैं गुस्सा नहीं हूँ। और अगले ही पल उसने डाइनिंग टेबल पर से एक समोसा उठाया और उसे अपने दांत से इतनी जोर से काटा मानो उसके मुंह में समोसा नहीं बल्कि खुद युग हो। अचानक से एक सौंधी सी खुशबू फैल गई जब शांति ने सभी को प्लेट में युग के बनाए हुए स्पेशल नूडल्स परोसे। उसे खाते ही गणेशीलाल के तन बदन में मानो कुछ कुछ होने लगा। गणेशीलाल का बर्ताव अब भी उखड़ा उखड़ा ही था और वो अपना ध्यान खाने की ओर ज्यादा लगाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर हॉल में सन्नाटा फैला रहा जिसको भेदते हुए ब्रिजलाल बोला, क्यों भाई कैसा लगा तुम्हें खाना? गणेशीलाल अपने खाने की प्लेट में ही घुसा हुआ था और उसने बिना सिर ऊपर उठाए जवाब दिया, ठीक ठाक ही है, इतना भी कोई खास नहीं है। पर दादाजी आप पहले ही 5 समोसे और 2 प्लेट नूडल्स खा चुके हैं। मुझे पापा ने बताया था कि आपको एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, आपको खाने पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नन्ही खुशी को कोई आइडिया नहीं था कि उसकी ये मीठी छुरी जैसी जुबान गणेशीलाल को कितना शर्मिंदा कर रही है। खुशी की बात सुनकर ब्रिजलाल अपने दोस्त की शक्ल देखकर ठहाके लगाकर हंसने लगा। आखिरकार गणेशीलाल ने स्वीकार किया कि समोसे और नूडल्स बहुत स्वादिष्ट हैं और वो बोला, ये समोसे और नूडल्स किस महान दुकान से मंगवाए गए हैं दोस्त? ये समोसे सचमुच बहुत ही अच्छे हैं, मैं कुछ समोसे पैक करवा के अपने घर ले जाना चाहता हूँ। ब्रिजलाल स्माइल करते हुए ना में सिर हिलाने लगता है, अरे बाबा बताओ ना, ये कोई बहुत पुरानी दुकान के मशहूर समोसे है ना? गणेशीलाल ब्रिजलाल से पूछता है मगर ब्रिजलाल वापस में ना में सिर हिलाता है और स्माइल करता है। तो फिर क्या ये मथुरा के किसी हलवाई के हाथों का जादू है? गणेशीलाल ने वापस सवाल किया। नहीं, ब्रिजलाल ने जवाब दिया, पक्का ये कोई नेशनल ब्रांड के समोसे हैं। अब प्लीज तुम ये मत कहना कि यूं ही कोई लोकल हलवाई की छोटी सी दुकान से लाए हो, तुम्हें तो पता ही है कि मैं यूं ही छोटी मोटी दुकानों पर जाकर खाना पसंद नहीं करता। गणेशीलाल ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। ब्रिजलाल की गर्दन किसी पेंडुलम की तरह लगातार नाके स्वर में हिल रही थी। गणेशीलाल ने इस बार मस्ती में अपने दोस्त ब्रिजलाल के गाल खींचे और अगला सवाल दाग दिया, अरे दोस्त अब बता भी दो कि तुमने ये समोसे किस बेहतरीन शेफ से बनवाए हैं, अब तुम हर बार की तरह ना मैं सिर हिलाकर मुझे शर्मिंदा मत करना, समझे? अच्छा, ब्रिजलाल को अपने दोस्त की बात सुनकर अचंभा हुआ और वो बड़ी सी स्माइल करते हुए बोला, तो तुम्हें लगता है कि ये किसी बेहतरीन शेफ का काम है? खबरदार, अगर तुमने मेरे टेस्ट पर शक किया तो। मैंने आज तक देश के कई सारे 5-स्टार होटल्स में न जाने कितने प्रकार का खाना खाया है, बड़े बड़े शेफ के हाथों के जादू का मैं स्वयं साक्षी हूँ। गणेशीलाल के अंदर की घमंडी आत्मा वापस जाग उठी और उसने अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी। मैंने आज तक जितने भी जगह समोसे खाए वो सभी बहुत अच्छे थे, मगर ये समोसे जो आज तुमने मुझे ऑफर किए
इनका देश में क्या, पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, इतना तो मैं जानता हूँ कि कनोडिया खानदान के साम्राज्य में 10 शेफ भी ऐसे नहीं होंगे जो ये अति स्वादिष्ट समोसे बना सकें। अपने दोस्त की एक्साइटमेंट देखकर और उसकी बातें सुनकर ब्रिजलाल के चेहरे की मुस्कान और भी बढ़ती जा रही थी और वो हंसते हुए बोला, हाँ हमारे साम्राज्य में 10 ना सही पर एक जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है वो तो बना ही सकता है ना ऐसे अति स्वादिष्ट समोसे। हैं? गणेशी लाल ब्रिजलाल की बात सुनकर चौंक गया, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने आगे कोई सवाल जवाब नहीं किया। ब्रिजलाल और गणेशी लाल के बीच ये नोकझोंक युग को बड़ी मजेदार लग रही थी। जैसे ही चेयरमैन सर ने इशारे से युग का जिक्र बेस्ट शेफ के रूप में किया तो वो शर्माते हुए बोला, दादाजी ये ताजगंज के सुपर स्पेशल समोसे हैं जो एकदम साफ और क्वालिटी तेल में बनते हैं। सुपर स्पेशल समोसे, वाह क्या नाम है। गणेशी लाल ने युग के बताए समोसे के नाम को कई बार दोहराया और फिर अचानक उसे याद आया कि उससे बात करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि युग है। ये रियलाइज करते ही वो बोला, मैं अपने दोस्त ब्रिजलाल से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो। जब गणेशी लाल को सुपर स्पेशल समोसे के असली शेप के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा, क्या वो युग को दिल से एक्सेप्ट कर लेगा या तब भी अपनी अकड़ दिखाएगा। जानने के लिए सुनते रहिए, मैं बनूंगा सुपर हीरो सिर्फ पॉकेट एफएम पर।